हे गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक डिशम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज के कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा या फिर कह लीजिए ट्रिक्स, जो कि शायद आप लोग नहीं जानते हो, शायद कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते हो। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए, आप एक भी ट्रिक मिस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता कौन सी ट्रिक आपके काम आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पर पहले ट्रिक की। तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक स्टोरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो फोटो मैंने कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट का शेडो जो है इफ़ेक्ट देने वाला हूँ। तो वो कैसे देंगे, तो वो आप यहाँ पर मुझे फॉलो करिए। तो आपको एक नॉर्मली टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि टेक डिशम मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मुझे फिर से सेम टेक्स्ट फिर से टाइप करना है। तो मैं फिर से टाइप करूँगा टेक डिशम, और कलर आप दूसरा ले लीजिए, जैसे कि मैंने वाइट लिया हुआ है। मैं यहाँ पर इसे ब्लैक कर देता हूँ, बेटर रहेगा। अब यहाँ पर इस ब्लैक वाले को मुझे रेड वाले के ऊपर रख देना है, जिससे लगेगा ये कि ब्लैक टेक्स्ट है और पीछे रेड कलर की इसकी शेडो है। तो ऐसे जो है आप शेडो इफेक्ट दे सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। सो अब इस वाली ट्रिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अलग अलग कलर दे पाओगे, वो आप कैसे करोगे। वैसे सिंपल है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप जिनको नहीं मालूम है उनको आइडिया लग जाए। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इनको कलर दे सकता हूँ ऐसे। और अगर आपको डिशम के अंदर केवल DI को ही कलर देना है, तो आपको DI को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये बार मिलती है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो कितने कैरेक्टर्स आपको लेने हैं, फिर उनको कलर दे दो। फिर बाद में आप वैसे ही आपको जो है आगे भी फॉलो करना है। तो ऐसे जो है आप कलर दे सकते हो पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी टेक्स्ट के अंदर, किसी वर्ड के अंदर। सो गाइज, अब आती है सबसे मेन ट्रिक, सबसे बड़ी ट्रिक, जो कि शायद आप वैसे काफ़ी कम लोग जानते होंगे। तो आपको सिंपली IGTV के अंदर जाना है और आपको प्लस आइकन पे जो है टैप करना है। उसके बाद में आपको कोई भी एक छोटा वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो कि 15 सेकंड से बड़ा हो और 10 मिनट तक का हो, ठीक है। 15 सेकंड से लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 18 सेकंड्स का एक वीडियो है, मैंने यहाँ पर ले लिया है इसे। अब यहाँ पर आप कवर सेलेक्ट कर सकते हैं वीडियो का, जो भी आपको रखना है, और यहाँ से आप जो है कस्टम कवर भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको टाइटल के अंदर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर टाइटल में लिखना है क्लिक हियर, या फिर क्लिक हियर टू, क्लिक हियर फॉर गिफ्ट्स, या फिर क्लिक हियर टू वॉच, जो भी आप रखना चाहें। यानी कि सिंपली आप स्वाइप अप के लिए क्या लिखते हो, तो वैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक बैट करना है। तो क्लिक हियर फॉर गिफ्ट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देनी है, URL देना है किसी वेबसाइट का, जहाँ पर आपको व्यूअर को भेजना है। तो मैं यहाँ पर एज एन एग्जांपल मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल की लिंक जो है वो डाल देता हूँ। जैसे कि मैं मेरा चैनल ये रहा, तो मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाऊँगा, शेयर और कॉपी लिंक, फिर मैं जाऊंगा फिर से इंस्टाग्राम में, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं वो URL पेस्ट कर दूंगा। ओके, पेस्ट। ओके, अब यहाँ पर मुझे इसे अपलोड करना है IGTV पे, तो मैं यहाँ पर इसे पोस्ट कर दूंगा। अब पोस्ट करने के बाद में क्या होगा, ओके, तो यहाँ पर पोस्ट हो चुका है। प्रोफाइल में जाकर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। अब एक्चुअली आपको करना क्या है, अब यहाँ पर हमें स्टोरी के अंदर जाना होगा, तो हमें स्टोरी क्रिएट करनी है। तो फटाफट से स्टोरी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सिंपली पिक्चर कैप्चर करिए, या फिर आप जो भी आप लगाना चाहे, टेक्स्ट लिखना चाहे वो लिख लीजिए। उसके बाद में आपको ऊपर एक लिंक वाला आइकन मिलेगा, उसमें जाइए, IGTV पे टैप करिए, यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद में डन कर दीजिए। ओके, सो अब यहाँ पर स्वाइप अप वाला फीचर जो है वो ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लोगों को बताना है, तो हम GIF जो है, गिफ्ट जो है, गिफ्ट इमेज लेंगे स्वाइप अप वाली। तो यहाँ पर देखिए, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। तो मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पर कोई भी एक रेंडम ले लेता हूँ और इसे बड़ा कर लेता हूँ, ताकि व्यूअर को पता चले और वो स्वाइप अप कर पाए। ओके, सो अब मैं जो है इसे अपलोड कर दूंगा। तो हुआ ये कि हमने अपनी स्टोरी के अंदर IGTV का जो है लिंक दिया है, वीडियो का लिंक। स्वाइप अप करने पर वो IGTV के वीडियो पे जाएंगे, उसके बाद में वो लिंक पे जाएंगे। तो होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर मैं स्वाइप अप करूँगा, IGTV का वीडियो जो है वो ओपन हो जाएगा, जो कि हमने लिंक किया है। ऊपर मैं टैप करूँगा, यहाँ पर क्लिक हियर फॉर गिफ्ट्स, URL पर टैप करने पर हमारा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। है ना, बड़ा कमाल का ट्रिक। अब ये ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, किसी पोस्ट को स्टोरी के अंदर कैसे ऐड करें, या तो आपको मालूम ही होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे ही करना है। और एक पोस्ट मैंने, अपना ही पोस्ट मैंने अपनी स्टोरी के अंदर ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के साथ ही आपको कुछ और चीज़ें भी करनी होती है, जिससे आपके व्यूअर्स को जो है अच्छा लगे और वो आपके पोस्ट को जाकर
देखें। तो करना क्या होगा, आप कलर्स वाले सेक्शन में जाओगे और बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, कलर सेलेक्ट करो, लॉन्ग प्रेस करो बैकग्राउंड में और कलर चेंज हो जाएगा जो कि कलर आपने सेलेक्ट किया था। ओके, डन कर दीजिए। हम जाएंगे यहाँ पर गिफ के अंदर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टैप हीयर। टैप हीयर हम यहाँ पर क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप टाइप करिए टैप हीयर और टैप हीयर में से कोई भी आपको जो गिफ इमेज अच्छी लगे वो आप ले लीजिए आपके पोस्ट के लिए, आपकी स्टोरी के लिए। एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जैसे कि ये वाली लेता हूँ। ओके, टोनी स्टार्क के मुंह पे लग गई। सो हमें इसे सेंटर में ही रखना है। अब इससे होगा क्या कि कोई भी बंदा जो आपकी स्टोरी देख रहा है वो स्टोरी देखकर टैप करेगा, टैप हीयर लिखा हुआ है इसलिए, और टैप करने पर एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर लिखा होगा सी पोस्ट, और उस पर टैप करने पर बंदा जो है आपकी पोस्ट पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ जैसे कि ये, और ये वाली मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सो अब ये आई थिंक बराबर लग रही है, तो हम इसे पोस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करते हैं, सेंड करते हैं क्लोज फ्रेंड्स टेस्टिंग के हिसाब से। ओके, सो स्टोरी जो है हमारी वो अपलोड हो चुकी है। अब हम टेस्ट करते हैं, स्टोरी में जाते हैं और यहाँ पर हम टैप करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं सी पोस्ट वाला एक पॉपअप आ चुका है, और जब उस पर क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे पोस्ट पे। दैट्स इट गाइज, ये एक एडिशनल ट्रिक है। अगर आप किसी के मैसेज के अंदर जाते हो, वहाँ पर आप जो वॉइस वाला आइकन है उसको लॉन्ग प्रेस करते हो तो वॉइस आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, पर लॉन्ग प्रेस करने के साथ ही अगर आप स्लाइड करते हो ऊपर की तरफ तो वो लॉक हो जाता है और आपको बिना होल्ड किए आप जो है अपना जो भी कुछ कहना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं तो वो गा सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। ऐसे आप जो है लॉक कर सकते हैं और आपको होल्ड नहीं करना पड़ेगा, बस वो बात है। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करिए, होल्ड करिए और अनसेंड कर दीजिए। अब ये ट्रिक भी काफ़ी कमाल की है। आप किसी के भी स्टोरी पे लॉन्ग प्रेस करके उसे म्यूट कर सकते हैं ताकि उसकी स्टोरी आपको आगे से नहीं दिखे। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है, म्यूट स्टोरी। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ म्यूट स्टोरी, जिससे हर्ष बेनीवाल की जो स्टोरीज है वो मुझे आगे से नहीं दिखेगी। अगर मुझे फिर से अनम्यूट करना है, मुझे फिर से हर्ष बेनीवाल की स्टोरीज देखनी है, तो मैं सर्च करूँगा ऊपर हर्ष बेनीवाल और उसकी प्रोफाइल में जाकर। ओके, यहाँ पर मैं फाइंड आउट करूँगा, सॉरी मुझे ये नहीं करना है। ओके, सो नीचे आप देख सकते हैं बायो के नीचे लिखा हुआ है अनम्यूट का ऑप्शन है, तो मुझे उस पर टैप करके अनम्यूट करना है। अब ये वाली ट्रिक यूज़ करके आप अपने इमोजीज को ग्लो करवा सकते हैं अलग अलग कलर्स में। तो करना क्या है, आपको इमोजी यहाँ पर आप रख लोगे, इमोजी जैसे कि मैंने यहाँ पर हार्ट लिया हुआ है, तो मुझे करना क्या है, मुझे ऊपर जो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है उस पर टैप करना है और मुझे इसे नियॉन कर लेना है। नियॉन किया तो आप देख सकते हैं कि हार्ट जो है वो ग्लो हो गया है नियॉन स्टाइल के अंदर। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, काफ़ी कूल लग रहा है। तो अब जो है इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं नीचे से, जैसे कि आप देख सकते हैं पिंक, येलो, जो कलर आप देना चाहे वो कलर आप दे सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज जो है आप ट्राई कर सकते हैं। अब इस ट्रिक के अंदर बात करते हैं ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट की। तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर कैप्चर की हुई है स्टोरी के अंदर, और यहाँ पर मैं कलर वाले सेक्शन में जाकर नीचे किसी भी कलर को सेलेक्ट करूँगा और पिक्चर पे लॉन्ग टैप करूँगा, यानी कि लॉन्ग प्रेस करूँगा तो कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि नीचे मेरी पिक्चर है उसके ऊपर ये रेड कलर है। अब यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जैसे कि ये वाला इरेजर, और इरेजर आप जो है इरेजर को आप सिंपली आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो होगा ये कि ऊपर जो रेड लेयर है वो इरेज होगी, जहाँ जहाँ पर आप इरेजर घुमाओगे तो नीचे वाली पिक्चर जो है ऑफकोर्स दिखेगी। तो ये भी कुछ एक अच्छा इफेक्ट हो सकता है, आपकी स्टोरीज को बड़ा ही कूल बना सकता है। बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप कि आपको सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। आपकी कौन सी ट्रिक फेवरेट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, लाइक तो अब बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाय।